सो हेलो एवरीवन, थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, राइट? द सेम लेक्चर पिछले दो बार मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, द पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के इस वाले पार्ट को, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। शायद रिकॉर्डर में कोई दिक्कत थी। अभी मैंने कोशिश तो की हुई है, आई डोंट नो रिकॉर्ड होगा फाइनल में या नहीं, उस तरीके से बता दिया जाएगा। तो वो लर्नर जो नए जुड़े हुए हैं, वो सभी साथी, उनको बता दें कि वट वी आर बेसिकली डूइंग इस पूरी सीरीज में, वी आर कवरिंग एंटायर पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एंड थ्रू केस लॉज। ठीक है, थ्रू केस लॉज। तो यही है, एंटायर पॉलिटी ही यही होती है यार, कि ठीक है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का रियल टेक्स्ट है। नाउ व्हाई वी नीड टू कवर दिस पॉलिटी थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज एवरी टाइम यू विल सी कि जो भी यूपीएससी का पेपर होता है, दे विल आस्क 3-4 क्वेश्चंस, जिसमें वो डायरेक्टली आपसे पूछेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वाला टेक्स्ट। वो बोलेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये चीज सही है, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या बोला है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए कि स्टेट की डेफिनेशन में इंडिया में कौन कौन आएंगी। हर आदमी जानता है स्टेट की डेफिनेशन में इंडिया में सरकारी कंपनियां भी आती है, राइट? या हर आदमी जानता है स्टेट की डेफिनेशन में इंडिया में वो एनजीओज भी आते हैं, राइट? वो सारे एनजीओज भी आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं, समझ रहे हो? वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बट क्या ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है या नहीं लिखी है, ये जानने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हम सभी को पढ़ना पड़ेगा। दिस इज वाई दिस सीरीज। नाउ लेट अस कम टू दिस आर्टिकल 14। अभी तक हमने ये सब चीजें देख ली थी पिछले लेक्चर में, ठीक है, 40-50 मिनट की वीडियो है, मैं इसे भी शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, राइट? 1-1.5 घंटा की सही नहीं रहती है, शॉर्ट वीडियो बनेगी है, 35-40 मिनट की मैं कोशिश करूंगा, तब तक हो, अगर नहीं हुए तो वहां पे कंक्लूड कर दिया जाएगा, राइट? लेकिन ब्रॉडली सब चीजें कवर की जाएगी, नॉट जस्ट अबाउट द पॉलिटी का टेक्स्ट, बट द थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट वाई, बिकॉज अब देखो वो थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी से। फॉर एग्जाम्पल, 2020 में उन्होंने पूछ लिया कि मार्क्स और गांधी के बीच में क्या चीज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की रही है उनकी आइडियोलॉजी की। ऐसे ही उन्होंने एक बार पूछ लिया कि जस्टिस की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है, आज के परस्पेक्टिव में लिबर्टी की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है, ऐसे करके वो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं इवन प्री में। तो उस लिहाज से हम यहाँ पे साथ में ये कवर करेंगे। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, अभी हम राइट टू इक्वालिटी से शुरू करेंगे। आर्टिकल 14 सर कह रहा है आपके इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात कर रहा है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात कर रहा है। पहले इस बेयर टेक्स्ट को पढ़ लो जरा। टेक्स्ट कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई, नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां पे मेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गई है, आगे भी जब हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, जहां जहां आपको पर्सन वर्ड मिले, इट मींस कि वो सारी चीजें सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन को मिल रही है, समझ रहे हो? सिटीजन मतलब हम आप, पर्सन में नॉन सिटीजन भी आते हैं। नॉन सिटीजन माने जो इंडिया के सिटीजन ना हो, नंबर वन। नंबर दो, उसमें कॉरपोरेशन भी आ रही है, उसमें कंपनीज भी आ रही है, उसमें एनजीओज भी आ रहे हैं, उसमें देवता भी आ रहे हैं, देव समाज, राइट? फॉर एग्जांपल, जब भी आप देखेंगे कि इंडिया में लीगल पर्सन का जो स्टेटस मिला है, वो इवन आपके डीटीज को भी मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल, सबरीमाला केस में टेंपल डीटी वाज वन ऑफ द पार्टी, ठीक है, उन्हें लीगल स्टेटस वहां पे मिला हुआ है। लीगल स्टेटस, लीगल पर्सन का स्टेटस इंडिया में इवन रिवर्स को भी मिला हुआ है, एनवायरनमेंट को भी मिला हुआ है, समझ रहे हो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमने देखा था कि एनवायरनमेंट को इंडिया में राइट टू लाइफ, ठीक है, ये एक्सटेंड किया गया है एनिमल्स को। ये कौन से केस के अंडर हुआ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट? ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है जब मेंस की क्लासेस चल रही थी। अब आते हैं इधर भैया, नोटिसेबल चीज पहली हमने ये देख ली। दूसरी बात, यहां से हमने एक और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वालिटी का। नेगेटिव, व्हेनेवर यू आर स्टडिंग दिस
दिस एंटायर आइडिया ऑफ पॉजिटिव राइट नेगेटिव राइट, पॉजिटिव इक्वालिटी नेगेटिव इक्वालिटी, पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव जस्टिस नेगेटिव जस्टिस, इट डज नॉट मीन कि पॉजिटिव इज समथिंग कि भैया हाँ इससे दूध घी की नदियां बह जाएंगी, नेगेटिव इज समथिंग कि नो 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 रिप्रेशन बहुत ज्यादा, ठीक है ऑपरेशन हो रहा है सिटीजन का, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं इट डजंट मीन दैट. पॉजिटिव मीन्स एक्चुअली कि स्टेट इज बींग एनेबल्ड, इनका जो एक्चुअल रोल है दैट इज स्टेट इज बींग enabled to do something. समझ रहे हो कि भैया स्टेट को आप एम्पावर कर रहे हो कि कुछ आप करो, कोई एक्शन लो किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. नेगेटिव लिबर्टी नेगेटिव इक्वालिटी या फिर जो भी नेगेटिव आइडिया होगा नेगेटिव जस्टिस, इसमें स्टेट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि भैया आपको जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेगेटिव जस्टिस की बात करें दैट वुड इंक्लूड, या फिर नेगेटिव लिबर्टी की बात करें दैट वुड इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट टू नॉट टू इंटरवीन इन पर्सनल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के पर्सनल लाइफ में आप इंटरवीन ना करो, ऐसी अगर रिस्ट्रिक्शन कहीं लग रही है दैट वुड मीन कि भैया नेगेटिव लिबर्टी वहां प्रमोट की जा रही है. स्टेट इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, जहां स्टेट को एम्पावर किया जा रहा है कि हाँ अगर इस पर्टिकुलर आदमी को अपना फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ जीना है तो स्टेट पे ये एक है ना एक एक पॉजिटिव जिम्मेदारी दी गई है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा तभी आप जो है राइट टू लाइफ अपना एंजॉय कर पाएंगे. लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो किसी की भी राइट टू लाइफ उसमें थ्रेट में होगा. दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी. डोंट कंफ्यूज इट विद एनी अदर कॉन्सेप्ट. ठीक है, बहुतों को बहुत कंफ्यूज भी रहती है, कंफ्यूजन रहती है. व्हाई वी हैव स्टडीड इट, इसलिए क्योंकि भैया जब भी आप अब राइट टू इक्वालिटी को देखोगे ना, ये राइट टू इक्वालिटी आपको पूरा राइट टू इक्वालिटी पूरा सेक्शन हर एक आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलेगा कि पहले पार्ट में फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 इन सबके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नेगेटिव इक्वालिटी की बात हो रही है, जो सेकंड पार्ट है उसमें पॉजिटिव इक्वालिटी की बात हो रही है. स्टेट को एनेबल किया जा रहा है सेकंड पार्ट में. फॉर एग्जांपल यहां भी देख लो, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. प्रोटेक्शन मींस स्टेट इज बींग एम्पावर्ड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन इन एनी मैनर, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली, ठीक है, या फिर इवन सोशली उनको प्रोटेक्ट करना, right? That is positive role of the state. But equality before the law is something जो कि आपकी एक negative equality के idea को promote कर रहा है. How? कि equality before the law कहता है कि कानून के सामने आपको सबको समान मानना पड़ेगा. यहाँ restriction लगाई जा रही है state पे कि you won't behave different people differently. Right. So it is a restrictive idea. This is why it is known as negative liberty, negative equality, and this is known as positive equality idea. Now this negative equality idea has been brought to Indian Constitution from the British Constitution. British Constitution. But this positive equality का जो idea है, ये India में US के Constitution से लाया गया है. राइट, सो दिस इज अबाउट योर नेगेटिव इक्वालिटी एंड पॉजिटिव इक्वालिटी, इनके बीच का डिफरेंस, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इनके बीच का डिफरेंस. राइट, दूसरी बात, दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स 2021 कि इन इंडिया इफ वी गिव आर्बिट्रेरी पावर्स टू एनी अथॉरिटी, If we give arbitrary powers to any authority, तो इसमें से कौन सा आर्टिकल ब्रीच होने वाला है? आर्टिकल 14, आर्टिकल है ना, आई थिंक उसमें आर्टिकल 31 भी था, आर्टिकल 21 भी था, एक और आर्टिकल उसमें, हाँ आर्टिकल 142 उसमें डाल के रखा हुआ था. दिस वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन कि अगर हम आर्बिट्ररी पावर किसी को देते हैं तो इनमें से कौन सा आर्टिकल ब्रीच होने वाला है. दिस इज हाउ दे आस्क द क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. नाउ इफ यू डोंट नो कि स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये आइडिया रूल ऑफ लॉ का आइडिया कहां पे एनश्राइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ यू डोंट नो यू कांट आंसर दिस क्वेश्चन. राइट, दिस रूल ऑफ लॉ का आइडिया हैज बीन एनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14 इटसेल्फ. हाउ? लेट्स सी.
रूल ऑफ लॉ प्राइमरली एज एन आइडिया हैज बीन गिवन बाय अ ब्रिटिश स्कॉलर ए वी डाइसी. यही वो आदमी था जिसने ब्रिटिश, ठीक है, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट एक सोवरेन पार्लियामेंट भी डिक्लेयर किया अपने, ठीक है, अपनी एक बुक में. तो एवी डाइसी वॉज द मैन जिसने रूल ऑफ लॉ का अपना आइडिया दिया. अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ मीन्स थ्री थिंग्स. कानून के शासन का अर्थ होता है तीन चीजें. नंबर वन, किसी पर्सन का शासन ना हो. इट मीन्स there should not be no i mean there should be absence of privileges. किसी भी इंसान, है ना, के पास कोई privileges नहीं होनी चाहिए. every person should be equal before the law. दूसरा उन्होंने अपना जो concept दिया, he said कि भैया दूसरी की किसी भी authority के पास कोई arbitrary power नहीं होनी चाहिए. कनेक्टिंग द क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नो आर्बिट्रेरी पावर्स. आर्बिट्रेरी पावर अगर आएगी किसी भी अथॉरिटी के पास, तो वो पर्सन जिसके अंडर वो अथॉरिटी है, ही विल मिस यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, दैट पर्टिकुलर पोजिशन इन सच ए वे कि भैया ओवरऑल एक तरीके से डेंजर के तौर पर वो सिटीजन्स की लिबर्टी के लिए वहां पे आए. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेजिडेंट के पास आपने आर्बिट्ररी पावर्स दे दी, अनचेक्ड पावर, अनब्रिडल पावर्स अगर प्रेजिडेंट के पास आ गई, तो डेफिनेटली प्रेजिडेंट विल मिसयूज दैट दोज पावर्स और ऑटोमेटिकली प्रेजिडेंट विल अज्यूम द प्रिविलेजेस. ही विल एस्टेब्लिश हिमसेल्फ अबव लॉ. बट रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज सुप्रीम. दिस इज वाई इंडिया में माना जाता है कि वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. इन इंडिया sovereign are people but supreme is law. There is a difference between sovereignty and supremacy. Already we have covered that difference in the previous lecture, I think in the lecture that is related to preamble part, right? So already we have covered that part. Third thing is ki rule of law mein unke according ek teesra aur part hai, that is ki jo bhi constitution hai kisi bhi country ka, it should be a product of rights. For example, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया जो फसलें हैं ये मिट्टी का प्रोडक्ट है, सही बात है भैया, मिट्टी से ले रहे हैं वो अपने सारे जो भी उर्वरक वगैरह लेने होंगे, फसलें मिट्टी का प्रोडक्ट है, सही बात है. इट मीन्स प्राइमरी क्या चीज है, मिट्टी. प्राइमरी क्या चीज है, वो मिनरल्स जो मिट्टी में है. पहले क्या आएगी, मिट्टी, फिर जमेगी फसल. सिमिलरली इनका मानना है एविडाइसी का कि पहले राइट्स रिकॉग्नाइज हो, उन राइट्स के अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट्स आर प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन. उन राइट्स के अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. इट मींस राइट्स ऑफ द सिटीजंस दे आर गिवन अ पोजीशन दैट इज सैक्रोसेंक्ट इन नेचर. बट This is not the case with India. Indian democracy में ऐसा नहीं है. ये जो third point है, ये India में लागू नहीं होता है. यहाँ से अच्छा concept based question बनता है. Why? Because India में rights, fundamental rights are considered fundamental because they are protected by the fundamental law of land. Right? So rights are the product of the constitution, not vice versa. इंडिया में उल्टा केस है. तो ये जो थर्ड कंडीशन है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं होती है. This is basically the idea of rule of law, which has been enshrined in Indian Constitution, right? Under Article 14. तो ये Article 14 की, ठीक है, एक description है. I hope इससे, और अब आप देखेंगे, हमने यहाँ देखा कि पहला part Article 14 का negative liberty का है, state को restrict किया जा रहा है. दूसरा part positive liberty का है, state को enable किया जा रहा है. यही चीजें आपको मिलेंगी अगले सारे, ठीक है, जितने भी आगे के आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, यही चीज आपको वहां पे सीक्वेंस में मिलेगी. राइट? फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 15 कह रहा है कि भैया हमें डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना है. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट मींस किसी चीज को रोका जा रहा है, नेगेट किया जा रहा है, दैट इज नेगेटिव इक्वालिटी.
बट यहीं पे आप जब देखेंगे नीचे आर्टिकल 15 में सब सेक्शन 4 के बाद, सब सेक्शन 3 के बाद, इसी पूरे आर्टिकल में स्टेट को प्रमोट भी किया जा रहा है, ऑथराइज किया जा रहा है कि आप वुमन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ओबीसीज के लिए स्पेशल प्रोविजन लाए, सो दैट दे कैन एंजॉय देयर इक्वालिटी एज वेल, राइट। तो वो सब, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप पाएंगे जब आप अच्छे से फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, आप पाएंगे कि भैया ये जो पॉजिटिव इक्वालिटी, नेगेटिव इक्वालिटी, पॉजिटिव राइट, नेगेटिव राइट वगैरह है, ये हर आर्टिकल में आपको बीच में मिलेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बीच में मिल रहा है, एम्बेडेड है ये सारी चीजें, राइट। तो अब शुरू करते हैं आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। यहां पे ध्यान देना, मैंने आपको कहा था कि जहां जहां पर्सन लिखा होगा वो सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन के लिए राइट वो अवेलेबल रहेगा अगेंस्ट द स्टेट, बट जहां जहां सिटीजन लिखा होगा वो वाला राइट सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल होगा। आर्टिकल 14 इज अवेलेबल फॉर सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, व्हाई? बिकॉज पर्सन वर्ड इज रिटन हियर। आर्टिकल 15, द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 15 इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, इट मींस कॉर्पोरेशंस कैन, है ना, कंपनीज, आपके डीटीज एटसेट्रा, राइट, एंड नॉन सिटीजंस दे कैन नॉट एंजॉय दिस राइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट एज वेल एज सिटीजंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर आर सम राइट्स, सर्टेन राइट्स विच आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, इट मीन्स अगर स्टेट उसे ब्रीच करता है तो भी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि सिटीजन कोई उसे ब्रीच कर रहा हो, इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट, इफ अ स्टेट इज ब्रीचिंग दोज फंडामेंटल राइट्स, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड गेट द रिट इशूड फ्रॉम देयर। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट को प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं जारी कर सकता है, हालांकि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का स्कोप अब एक्सटेंड कर दिया गया है कि हाँ, इवन हैबियस कॉर्पस जो रिट है, आगे हम पढ़ेंगे, जिसे मालूम नहीं है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, वो इवन, ठीक है, वो अब उन लोगों पे भी लागू होता है अगर किसी ने डिटेन कर रखा है किसी को, ठीक है, तो वो सब अलग बातें हैं, उसके लिए आईपीसी का देर इज अनदर सम प्रोविजंस। अब आईपीसी क्योंकि उन्होंने, ठीक है, हटा दिया है, तो उसका अब उतना कुछ महत्व बनता नहीं है। भारतीय न्याय संहिता को अब पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा प्रोविजन उसमें सिमिलर नेचर का रखा गया हो, लेकिन बात सर यही है कि अगर स्टेट ने कोई ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स कमिट किया है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड गेट द रिट इशूड फ्रॉम देयर। बट इफ सिटीजन इज ब्रीचिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, और इफ सिटीजन इज एक्टिंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ अनदर सिटीजन, थ्रेटनिंग हिज फंडामेंटल राइट्स, देन देयर इज ओनली कॉमन लीगल रेमेडी दैट इज अवेलेबल आईपीसी के अंडर, सीआरपीसी वगैरह के अंडर, जो भी वहां पे लीगल रेमेडी मिली होगी। फॉर एग्जांपल, जब हम देखेंगे आर्टिकल 17 को, जब हम देखेंगे प्रोहिबिशन ऑन अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी अगर कोई सिटीजन करता है तो आप उस सिटीजन के खिलाफ रिट नहीं जारी करवा सकते हैं, सिटीजन के खिलाफ नहीं होगी रिट जारी। कोई स्टेट का ऑफिसर करता है उसके खिलाफ रिट जारी होगी, सिटीजन कोई अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके खिलाफ रिट नहीं होगी जारी। उसके खिलाफ क्या होगा भैया? एससी एसटी एक्ट लगेगा, समझ रहे हो? ये एससी एसटी एक्ट क्या है एक्चुअल में? सिविल राइट्स एक्ट वगैरह, ये आर्टिकल 17 के उसी पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट यहां से साथ में याद रखना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब आप पाएंगे आर्टिकल 15 जो है, दिस आर्टिकल 15 इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द सिटीजंस। कोई भी स्टेट इंडिया में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, RR, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, याद रह जाएगा ना, RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओनली इन ग्राउंड्स पे कोई भी स्टेट, ठीक है, स्टेट कभी प्रोहिबिट नहीं करेगा, किसी भी पर्सन, किसी भी सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इन ग्राउंड्स पे, ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स। इट मींस एज के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है,
फॉर एग्जाम्पल ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको दाखिला लेना है, स्टेट कैन लिमिट योर एज, 35 साल की लिमिट ऊपर रख सकते हैं ना? अगर आपको एमपी बनना है तो स्टेट कैन लिमिट द एज, भैया 25 साल से ऊपर का ही आपको रख सकते हैं, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। समझ रहे हो बात को? सो दिस इज द थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ इन पांच ग्राउंड्स की बात हुई है, इसलिए ये याद रखने हैं। इसलिए भी याद रखने हैं क्योंकि जब हम आर्टिकल 16 को देखेंगे उसमें दो ग्राउंड और ऐड होंगे, उस टाइम हम देखेंगे। अभी के लिए ये देखो कि सिर्फ पांच ग्राउंड्स की बात हुई है आर्टिकल 15 में, ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स। इसलिए ये याद होने चाहिए इंसान को, एक कॉमन सिटीजन को भी याद होने चाहिए कि दीज आर द ग्राउंड्स on the basis of which we cannot be discriminated by the states as well as by the individuals. Even individuals cannot discriminate against any person on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. In what matters? In matters involving access to shop, पब्लिक रेस्टोरेंट, ठीक है, होटल प्लेसेस एटसेट्रा। समझ रहे हो? जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे इवन कोई प्राइवेट सिटीजन भी इन पांच ग्राउंड्स पे किसी की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। मतलब वो ये नहीं बोल सकता है कि हाँ तुम, ठीक है, प्लेसों पर तुम्हारी उत्तराखंड है तो तुम नहीं आ सकते हो, ठीक है, दिल्ली में नहीं आ सकते हो, इधर नहा नहीं सकते हो। नहाना तो कहा ही है, यमुना में, यमुना जी में जाके, ठीक है, नहा भी सकते हैं, दिल्ली वाले हैं भाई। तो ये समझ रहे हो बात को? तो इस ग्राउंड पे आपको रोका नहीं जा सकता है इवन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। देन द यूज ऑफ वेल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपने अंबेडकर जी थे तो इनके खिलाफ एक, ठीक है, बड़े षड्यंत्र रचे गए, इनको पीने के पानी के कुएं तक यूज नहीं करने दिए गए, ठीक है। तो ये सब चीजें, टैंक हो गया, बाथिक घाट हो गया, ठीक है, रोड्स ऑफ प्लेसेस ऑफ, ठीक है, ये जो पब्लिक प्लेसेस रहती हैं, इतनी सारी चीजें, इनको यूज करने में भी आपको रोका नहीं जा सकता है इवन बाय द प्राइवेट सिटीजंस। तो ये याद रखना है, आर्टिकल 15 इज अवेलेबल अगेंस्ट द सिटीजंस एज वेल एज अगेंस्ट द स्टेट। क्लियर? डन। नेक्स्ट थिंग इज, भैया यहां से चलता है अब पॉजिटिव इक्वालिटी का आइडिया। एक बात और ध्यान में रखनी है, आर्टिकल 15 जब हम पढ़ रहे हैं ये जनरल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। जनरल डिस्क्रिमिनेशन मींस कि भैया आप, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, राइट, एजुकेशन में ना हो, हेल्थ में ना हो, पब्लिक प्लेस में ना हो, दिस इज जनरल डिस्क्रिमिनेशन। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 16, इट इज प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। चीजें वही है लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के मैटर से आर्टिकल 16 डील कर रहा है, ये जनरल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है आर्टिकल 15। ये बात साथ में याद रखनी है, राइट। तो अगर आपको कोई बोले कि भैया मान लो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको रिजर्वेशन देनी है तो वो आर्टिकल 16 से रिलेटेड नहीं होगा, वो आर्टिकल 15 और इसके सबसेक्शन से रिलेटेड होगा। जनरल डिस्क्रिमिनेशन की बात आर्टिकल 15 कह रहा है, आर्टिकल 16 नहीं। क्लियर? समझ रहे हो बात को? सो दिस इज द थिंग। अब आते हैं, ठीक है, अपने इसके सब सेक्शन 3 में। अभी तक हमने देखा ऊपर कि भैया रोका जा रहा है सिटीजंस को और स्टेट को कि भैया आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, बट एक्चुअल में सोसाइटी हैज नेवर बीन अ सोसाइटी ऑफ इक्वल। सोसाइटी हैज नेवर बीन अ सोसाइटी ऑफ इक्वल्स। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सोसाइटी एब्सोल्युटली इक्वल की सोसाइटी हो। इस बात को जॉन रॉल्स ने भी रिकॉग्नाइज किया। जॉन रॉल्स, ही गेव हिज ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी इज क्वाइट बिग, है ना, और वो PSIR ऑप्शनल वगैरह के लिए सही है। अभी के लिए जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक बात समझो कि जॉन रॉल्स ने, ये एथिक्स में भी पूछा गया है, राइट, जॉन रॉल्स ने अपना डिफरेंस प्रिंसिपल दिया। डिफरेंस प्रिंसिपल, ये डिफरेंस प्रिंसिपल क्या था? डिफरेंस प्रिंसिपल में जॉन रॉल्स ने कहा कि ठीक है, आप ना मिनिमम बेसिक लिबर्टी सभी लोगों को दे रहे हो, मिनिमम लाइफ की जो कंडीशंस है वो सभी लोगों को दे रहे हो, बट कुछ लोगों को आपको डिफरेंशियली ट्रीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को आपको रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। इस चीज को जस्टिफाई करना उसके लिए मुश्किल हो गया कि भैया क्यों दे,
ना, जब नेचर ने ही डिस्क्रिमिनेट कर रखा है तो हम क्यों दें? कुछ लोग ऐसे बोले, ठीक है, लिबर्टेरियन बोलते हैं कि कुछ लिबर्टेरियन बोलते हैं ऐसे हेयक जैसे लोग कि इट इज अगेंस्ट कॉम्पिटिशन, बट जॉन रॉल्स देन सेज कि रुको रुको रुको, थामा थामा, मैं देता हूं तुम्हें जस्टिफिकेशन। जॉन रॉल्स फिर आकर के कहता है, भैया एक्चुअल में क्या है ना, एक्चुअल में सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑफ चेन। ही गिव अ जस्टिफिकेशन कि सोसाइटी एक चेन की तरह है और इसकी हर कड़ी को बराबर मजबूत होना जरूरी है। कोई कड़ी अगर कमजोर होगी, छोटी कड़ी होगी, कमजोर होगी, तो हो सकता है कि रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के बोझ से वो छोटी कड़ी टूट जाए, ब्रेक हो जाए, कमजोर आदमी टूट जाए, ब्रेक हो जाए। एंड इफ दिस छोटी कड़ी इज ब्रेकिंग, इट विल कॉज अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटायर चेन, एंटायर सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए वो थ्रेट है। अगर बीच में कोई कमजोर रह गया, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर कास्ट आपने कमजोर कर रखी है ना, वीकर सेक्शन उसे बना दिया, वो इकोनॉमिकली मान लो वीकर है, तो वो क्या करेंगे भैया, पूरी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस आ जाएगा। आप पाएंगे है ना, एक फेमस क्वेश्चन था 9th-10th क्लास में हिस्ट्री का कि भैया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही वेस्ट में आई तो क्राइम्स वगैरह, क्राइम रेट वगैरह कम होने चाहिए थे एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से, बट ये देखा गया कि लंदन की पॉपुलेशन 10-20 साल में, ठीक है, डबल होने के बावजूद भी वहां पे क्राइम रेट बहुत बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए भाई साहब कि शुरू शुरू में उन्होंने, ठीक है, जैसे लंदन की या फिर जितने भी अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए, डेवलप करने के लिए उन्होंने शुरू शुरू में लेबर तो ला दी, बाद में बेरोजगार हो गए जैसे ही मैकेनाइजेशन हुआ, और बेरोजगारी हुआ करेगा क्या, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्राइसिस बनेगा, समझ रहे हो? तो इट विल कॉज ब्रेकडाउन ऑफ द एंटायर सोशल चेन। दिस इज व्हाई जॉन रॉल्स सेड कि स्टेट हैज अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट दीज पीपल डिफरेंटली, दिस इज नोन एज डिफरेंस प्रिंसिपल, यू नीड टू ट्रीट देम डिफरेंटली, यू नीड टू गिव रिजर्वेशन, यू नीड टू गिव अफर्मेटिव एक्शन टू देम, समझ रहे हो? तो यही पूरी चीज जो है ये जॉन रॉल्स ने उस वक्त कही, और उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अब इसके नीचे आप देखेंगे लागू होते हुए। आर्टिकल 16 कह रहा है भैया इस आर्टिकल में कोई भी चीज, ऊपर कहा है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी भी महिला के साथ है ना, या फिर किसी भी पर्सन के साथ, उसके किसी भी सिटीजन के साथ उसके जेंडर, ठीक है, उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऊपर कहा है ऐसा। फिर यहाँ नीचे बोल दिया कि भैया इस आर्टिकल में जो भी कुछ ऊपर लिखा हुआ है उसमें से स्टेट पे कोई बंदिश नहीं होगी, शैल नॉट प्रिवेंट द स्टेट from making any special provision for women and children। इसीलिए आप देखेंगे भैया, ठीक है, महिलाओं के लिए कहीं रिजर्वेशन है, ठीक है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, राइट, पंचायतों में रिजर्वेशन है, परसुइंग, ठीक है, इस आर्टिकल के गोल्स को परसू करते हुए वो रिजर्वेशन वहां रखा गया। ऐसे ही इसमें आर्टिकल एक और एड किया गया। एक्चुअल में ये जो अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सॉरी, ये जो फोर्थ सबसेक्शन इसका हम पढ़ रहे हैं, that was added to this article through first constitution amendment, if I am not wrong, ye question bhi aaya tha, right, first constitution hona chahiye, yes, added by first constitution amendment, ye ek baar question aaya tha, and is saal 2023 mein bhi aaya tha, 2023 mein pre mein ye question aaya tha ki in mein se kaun sa wo amendment hai jo ki laya gaya indian constitution mein to do away with the effect of judicial interpretation of the provisions of the constitution, judicial interpretation of the provision of the constitution ko hai na, us cheez ko dur karne ke liye kaun sa aapka aisa amendment act laya gaya, to that was first constitution amendment act, jo ki theek hai aapke right to property vagera se related hai, ki land reform lane the to isiliye 9th schedule laya gaya taki jo land reform ke law hain wo challenge na ho sake mainly, aur isme lagbhag wo sare law dale gaye jo land reform se relate karte ho, theek hai, kisi bhi states ke dale gaye hain, right, so aise karke wo question pucha hai, to first constitution amendment act se na sirf 9th schedule dala gaya balki article 31a bhi dala gaya hua hai, ab yahan aage dekhenge, balki theek hai na sirf itna hua, आप देखेंगे कि आर्टिकल 19 में देखेंगे उसे, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन वगैरह पे उसमें नई चीजें कुछ डाली गई है, ऐड किया गया है सोशलिस्ट, ठीक है, इंडियन स्टेट को एक तरीके से सोशलिस्ट टिंज देने के लिए और ज्यादा इसमें
ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। और ये इतना इंपॉर्टेंट है भैया, एक बार तो 2017 में उन्होंने यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंडिया में किसके दौर में आया, तो वो नेहरू जी के दौर में था। यही चीज उन्होंने 2021 में पूछ ली कि नेहरू के टाइम पे आया, समझ रहे हो, ऐसे करके। और इस यही चीज उन्होंने 2023 में पूछ ली कि भैया बताओ ये अमेंडमेंट है क्या चीज एक्चुअल में, वही चीज रिपीट होकर के आ रही है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने एक बात ये भी ऐड करी कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में लिखे गए किसी भी बात और आर्टिकल 29 में लिखी गई किसी भी बात का इफेक्ट स्टेट के उन कामों पे नहीं होगा जो कि स्पेशल प्रोविजन क्रिएट करने की कोशिश करे फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इट मींस, अब देखो ये आर्टिकल 29 कह रहा है, स्पेशली आगे हम देखेंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द माइनॉरिटी एंड द सेक्शंस ऑफ सिटीजंस। आर्टिकल 29 बेसिकली कह रहा है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस दैट इंक्लूड माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी, राइट। तो जो सेक्शन ऑफ सिटीजन है उनके पास अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज वगैरह को प्रिजर्व करने का जो है अधिकार होगा और उसके लिए वो अपनी इंस्टीट्यूशंस चला सकते हैं, राइट। और उसमें ये भी बताया गया है कि वो माइनॉरिटी, वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो अपने समुदाय के लिए वहां पे, अपने ही समुदाय के लिए वहां पे रिजर्वेशन रख भी सकता है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा स्टेट के द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए रिजर्वेशन पे फॉर द पर्पज ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 29, नॉट अंडर आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली फॉर माइनॉरिटीज, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 इज बेसिकली रिलेटेड टू सेक्शंस ऑफ सिटीजन, माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी। तो दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो आर्टिकल 29 के अंडर फॉल कर रही है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, जब हम देखेंगे आगे 29 और 30 को जब हम देखेंगे, ये आर्टिकल इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया का माइनॉरिटी स्टेटस वगैरह वो एक मसला चला हुआ है, कोर्ट में चला हुआ है। ऐसे ही आपके जो ये क्या बोलते हैं, राइट, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसका भी आजकल केस चला हुआ है, यही माइनॉरिटी स्टेटस का केस चला हुआ है, राइट। तो भैया इन्हें जो ये प्रोटेक्शन मिली हुई है अंडर आर्टिकल 29, नॉट अंडर 30, अंडर आर्टिकल 29, इस प्रोटेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा स्टेट के रिजर्वेशन प्रोविजंस पे। सिंपल बात, इट मींस रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर एससीज एसटीज और ओबीसीज इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय द स्टेट, एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट एंड अंडर आर्टिकल 29 ऑल्सो, बट नॉट अंडर आर्टिकल 30, दैट इज अ डिफरेंट केस, दैट इज अ सेपरेट मैटर। समझ रहे हो बात को? तो है ना, इस पर क्लैरिटी अभी थोड़ा बाद में आएगी, अभी बने रहिए इन चीजों पर। सो दिस इज अबाउट योर सेक्शन 4। एक बात और कि भैया ये जो रिजर्वेशन आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करवाई जा रही है एससीज एसटीज और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसीज के लिए, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए जो रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड की जा रही है वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी लागू होती है। मतलब रिजर्वेशन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ सरकारी में हो ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी है। Other than those institutions which are established under Article 30, it means Article 29 के अंडर जो education institutions establish होंगी, है ना, वो जो cultural preservation के लिए, linguistic preservation के लिए कोई institution establish होगी, not just educational institution, any institution, भैया उसमें भी reservation लागू होगी। Private education में भी, सरकारी education institution में भी ये reservation लागू है, ये बात यहाँ से याद रखना है साथ में, है ना। बाकी यही सब चीजें हैं कि अब वही चीज, ठीक है, ये जो ऊपर के प्रोविजन है यही प्रोविजंस ईडब्ल्यूएस के लिए भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, कहां गया ये ईडब्ल्यूएस, कहां गया ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इसी में कहीं लिखा होगा, बीच में देख लेना, यही है ना, ये जो सबसेक्शन 6 है ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए, ये देखो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सेक्शन 6 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। समझ रहे हो?
तो यही चीजें हैं जो आपको, अगेन इसमें दो ही, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी साथ में डिस्कस किए, इसलिए राइट इसमें टाइम लग गया, कल के बाद तो नहीं लगेगा, है ना। अभी 35 मिनट का फिर से हो गया है, अभी इस पे पॉज करते हैं, तो कल ही अपना आर्टिकल 19 तक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड इसलिए छोटी वीडियो रखते हैं, राइट, क्योंकि लंबी वीडियो फिर बोरिंग भी हो जाती है और फिर है ना मजा भी नहीं आता है। एंड बाकी मिलते रहेंगे, आप सब लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन के अलावा आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा लिंक, राइट। एंड अगर आप साइंस एंड टेक के लिए वरिड हैं, पूरी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है। 20 फेब तक साइंस एंड टेक का, ठीक है, एक डिफरेंट पूरा कोर्स आ रहा है, आपको कोई, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे सब चीजें नोटिफाई करवा दी जाएगी। और अगर देखना हो कि हाँ कैसा रहेगा, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी 2023 में, डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट, 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13, डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट, वो जो कॉपी पेस्ट वाले होते हैं जो उस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ 10 घंटे के लेक्चर से वो 9/13 का जो है स्ट्राइक रेट इतना बना था 2023 के प्रीलिम्स में। देखते हैं 2024 में शंपो साथ देता है या नहीं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।